नमस्कार दोस्तों, पवार डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम इंग्लिश के पोर्शन पर ध्यान देंगे। ये स्क्रीन पर आपके अभी इंग्लिश का पूरा सिलेबस है और इसी वीडियो में आगे इसका एक टॉपिक आर्टिकल आज हम पढ़ाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ इंग्लिश, दैट इज आर्टिकल्स। एज यू ऑल नो, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं। तो आज हम दोबारा इनको एक बार देखते हैं कि आर्टिकल्स बेसिकली हैं क्या। तो बेटा, आर्टिकल्स आर बेसिकली बेसिकली आर्टिकल्स जो है वो आपके डिटरमिनर्स भी कहलाते हैं। आर्टिकल्स आर नोन एज डिटरमिनर्स। अब आप लोग पूछोगे कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। सो डिटरमिनर्स आर the words or alphabets which are used to determine the noun. These are the determiners. अब इस चीज को समझेंगे कि है क्या, कैसे डिटरमाइन करेंगे ये नाउन को। नाउन को डिटरमाइन करेंगे ये कि नाउन आपकी सिंगुलर है, प्लूरल है। द नाउन इज सिंगुलर, प्लूरल, डेफिनेट, इनडेफिनेट, एक्सेट्रा। तो बेटा ये सब चीज डिटरमाइन जो भी करता है, ये सब चीज नाउन की डिटरमाइन जो करता है उसको हम डिटरमिनर्स बोलते हैं और ये ही डिटरमिनर्स आर्टिकल होते हैं। एक आसान लैंग्वेज में आपने स्कूल में जो भी पढ़ा होगा आज तक, स्कूल्स में आपको जो पढ़ाया जाता होगा वो ये समझाते होंगे कि व्हाट आर आर्टिकल्स, ए एंड द, ये तीनों चीज होती है आर्टिकल्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, क्योंकि हर चीज को हम ना बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से इसलिए पढ़ेंगे हम, अगर कोई भी चीज मैं आपको रटवा दूंगा तो आप रट के इसको भूल जाओगे। एग्जाम आपका दिसंबर में है, आप इसको अभी भूल जाओगे। सो बेसिक्स पे चलेंगे हम, बेसिक्स पे ध्यान देंगे। तो बेसिक्स की अगर आपको एक बार आपने बेसिक्स से इसको पढ़ लिया टॉपिक को, आप कभी भूलेंगे नहीं। सो ये सब चीजें हम इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग तरीके से इसको पढ़ेंगे। सो नाउ अभी आपको इतना समझ में आ गया ना कि मैं डिटरमिनर्स क्या होते हैं। अच्छा एक बात और, अगर किसी को ये ना समझ में आए, कुछ भी इसमें ना समझ में आए, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर आप ये नीचे मैसेज डाल देंगे। जैसे आप अंकुश सर से पूछते हैं मैथ और रीजनिंग, वैसे आप इंग्लिश और जीएस में आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया कि डिटरमिनर्स की तरीके से आर्टिकल्स कैसे काम करते हैं। ये आपका डिटरमाइन करते हैं नाउन को, एक्चुअली नाउन है क्या, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। बाबू डिटरमिनर्स क्यों कहते हैं इसको, हमने एक एग्जांपल लिया, दिस is an apple। तो यहां पे क्या डिटरमाइन, ये क्या हो गया आपका नाउन, ये क्या हो गया आपका आर्टिकल। तो यहां पे ये आर्टिकल कैसे काम कर रहा है, यहां पे ये आर्टिकल एप्पल का इससे डिटरमाइन कर रहा है कि जो आपका नाउन है ये सिंगुलर है। इसलिए पता चल रहा है ना आपको कि नाउन क्या है, सिंगुलर है।
तो यहां पे इस आर्टिकल ने ये डिटरमाइन कर दिया इस नाउन के बारे में कि ये नाउन सिंगुलर है, तो दिस इज एन, ये यहां पे एन आर्टिकल ने इसको डिटरमाइन कर दिया, इसलिए इसको डिटरमाइनर बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब आगे हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम आगे ना इसको रटेंगे नहीं, इसको हम पार्ट में बांट लेते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल्स इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स होते हैं दो पार्ट, आर्टिकल्स के दो पार्ट होते हैं, दैट इज डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल्स में आपका कौन सा होगा? द, और इनडेफिनेट में आपका कौन से होंगे? And. अच्छा, मैं यहां पे डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात जो कर रहा हूं, इसमें मैंने आपको द बताया है, तो ये क्या चीज है डेफिनेट और इनडेफिनेट, हम इस चीज को समझेंगे पहले। बेटा जो हमारे ये डेफिनेट आर्टिकल जहां भी यूज होते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक सर्टेन, आप समझ पा रहे हो ना, किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए, किसी भी सर्टेन चीज के लिए या फिर किसी इन के लिए हम द यूज करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक और सर्टेन का मतलब जो कि निश्चित है, ठीक है, या फिर पहले हो चुकी है जिसके बारे में हमको पता है, उन चीजों को हम सर्टेन या स्पेसिफिक बोलते हैं। जो चीज निश्चित है या पहले हो चुकी है या जिनके बारे में हमको पता है कि ये चीज पहले हो चुकी है, उन चीजों के सामने, उन नाउन के सामने या उन जो भी हमारे वर्ब्स होंगे उसके सामने हम द का यूज करें। अब इनडेफिनेट इसका अपोजिट, विच इज नॉट स्पेसिफिक, अनसर्टेन, एग्जाम्पल्स से हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। आई सॉ अ बॉय, ठीक है, तो यहां पे ये क्या सेंस दे रहा है, आई सॉ अ बॉय, ये हमें यहां पे आई सॉ एनी बॉय, तो ये जो चीज है ये यहां पे इनडेफिनेट है, हमें नहीं पता हम किस, जो हमने देखा ना किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता, तो दिस इज इनडेफिनेट, मतलब दिस इज नॉट सर्टेन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉय के, इस बॉय के बारे में हमको नहीं पता है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट एज एन इनडेफिनेट आर्टिकल व्हिच इज ए indefinite, and अगर मैं यहीं पे बोल दूं, अगर मैं ऐसे बोल देता हूं, I saw a boy that was ऊपर मैंने आपको इंडेफिनेट का भी एग्जांपल दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा ना, नाउ उसी को मैंने आपको बताया था, आई
सॉ अ बॉय। तो यहां पे ये बॉय सेंस दे रहा था एनी बॉय विच वी डोंट नो, इसके बारे में बात हो रही है नहीं पता, तो ये इनडेफिनेट। और अब हम किसी के बारे में बात करेंगे जो हमें पता है, आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय हु टॉप द स्कूल या फिर क्लास। तो बेटा यहां पे हमको पता है हम जिस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं वो ही टॉपर है जिसने क्लास या स्कूल, तो ये इसको इसके बारे में हमको पता है तो ये डेफिनेट की सेंस दे रहा है, तो यहां पे अ नहीं आएगा, यहां पे द डेफिनेट आएगा। अभी समझ में आया होगा ना मैं डिफरेंस दोनों में डेफिनेट और इनडेफिनेट में। और यहां पे मैं ए और एन का आपको पता चला है कि ए हम यहां पे हमने यहां पे यूज किया था, एन कैसे यूज करेंगे वो हम आगे देखेंगे, मैं आपको और ज्यादा इलेबोरेट करूंगा इसको लेक्चर को आगे, अब तब हम आपको बताएंगे कि ये ए और एन क्या क्या सीन होता है, ये सिंगुलर प्लूरल का यूज। तो अब हम थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, यहां पर आपकी समझ में आ गया होगा सबके, और जिसको कुछ भी डाउट हो वो कॉल करके पूछ सकता है या फिर आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे या तो ग्रुप पे, आप ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपके ड्रॉप कर देता। अब हम पहले सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल, पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे जो कि दो तरीके होते हैं ए एंड। आपने स्कूल्स में आपने पढ़ा होगा दो चीजें, आपके टीचर्स ने आपको बताई होगी वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स आपको पता होंगे पांच ए ई आई ओ यू एंड कॉन्सोनेंट्स द रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट, ऑल द रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स। सो नाउ योर टीचर्स मस्ट हैव टोल्ड यू दैट कि जितने भी वॉवल्स होते हैं, ऐसा आपको बताया गया होगा, जितने भी वॉवल्स होते हैं ये जो वर्ड्स इनसे स्टार्टिंग होगी जिन वर्ड्स की उनके सामने आप हमेशा एन लगाएंगे और जो बाकी वो कॉन्सोनेंट्स होंगे उनके सामने ए लगेगा, एज सिंपल एज दैट, ऐसा बताया हुआ आपको बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर किसी के सामने नहीं लगेगा आपके टीचर्स ने आपको बता दिया होगा कि वो सब एक्सेप्शंस हैं, बाकी सब अगर किसी के सामने जैसे कि ये हो गया ऑनेस्ट, इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं तो इसके सामने एन ऑनेस्ट लगता है कि ये तो यहां पे कॉन्सोनेंट है, तो उन्होंने बताया ये एक्सेप्शन है। बेटा इंग्लिश में कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होता है, टीचर्स बताते हैं लेकिन हम नहीं बताते कि इसमें कुछ भी एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, सब कुछ ये हमारी वर्डिंग्स पे और सब कुछ हमारी प्रोनाउंसिएशन, अगर हमारी सही है तो इंग्लिश हम सही करते हैं, सब कुछ प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। कैसे यहां पर वो बता रहे कि एच साइलेंट है, ऑनेस्ट है इसका, ऑनेस्ट नहीं है तो एच साइलेंट है, इसलिए एन लगा, सही बात है साइलेंट है, लेकिन हम बेसिक्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक्स क्या है तो हम क्या करेंगे, अब मैं आपको इसकी बिल्कुल इसकी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आर्टिकल्स के वो मैं आपको अगले लेक्चर में ये बताऊंगा कि इसके प्रोनाउंसिएशंस के बेसिक्स पे हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स पे, इसमें हम अलग से देखेंगे, मैं आपको लिखवाऊंगा वॉवल साउंड कौन सी होती है कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है और फिर आप उससे इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किसके सामने ए लगेगा किसके सामने एन लगेगा। क्या बताया मैंने आपको, वॉवल साउंड
एंड कॉन्सोनेंट साउंड। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि बेसिक जो है, द बेसिक इज नॉट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, द बेसिक इज वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। इस चीज में डिफरेंशिएट आप समझ लेंगे जब, तो आपको आर्टिकल्स बहुत इजी लगने लग जाएगा बहुत आसानी से। तो ये टॉपिक, ये वाला जो आपका टॉपिक है साउंड, वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, ये मैं आपको अगले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में इसको वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का टॉपिक देखते हैं, इसका जो भी होगा। बाकी आपको हम, अगर हो सका तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं कि हम पीडीएफ दें आपको होमवर्क के लिए, या फिर पीडीएफ शीट दें। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम देखते हैं।